रुक्मिणी का टेम्पल द्वारकाधीश से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। दोनों के टेम्पल अलग अलग है। द्वारकाधीश का टेम्पल अलग है, माता रुक्मिणी का टेम्पल अलग है। मेन पटरानी माता रुक्मिणी थी, जो मेन पटरानी है भगवान श्री कृष्ण की। क्यों अलग अलग टेम्पल है, आज हम लोग उसके बारे में पंडित जी से बात करेंगे यहाँ पर। और क्या दान करने से आपको पुण्य मिलता है, आज हम लोग डिटेल में उसके लिए भी बात करेंगे। पंडित जी से भी हम लोग इसमें पूछेंगे कि क्या दान करने से क्या फल मिलता है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद माता रुक्मिणी का दर्शन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि माता रुक्मिणी के दर्शन के बाद ही उनकी यात्रा पूरी सफल होती है। रानी रुक्मिणी मैया की जय। हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी, और द्वारिका नगरी से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर भगवान द्वारिकाधीश की बड़ी पटरानी रुक्मिणी देवी के मंदिर पे हम लोग खड़े हैं। ये भगवान कृष्ण की बड़ी पटरानी है, फिर भी भगवान द्वारिका नाथ के मंदिर से ये मंदिर अलग क्यों है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि रुक्मिणी देवी राजा भीष्मक की कन्या, महाराष्ट्र विदर्भ प्रांत अमरावती शहर कौंडल्यपुर करके गाँव, और भीष्मक राजा की इस कन्या का भगवान कृष्ण हरण करके रुक्मिणी रानी को ये द्वारिका नगरी में लेके आए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रुक्मिणी देवी के साथ भगवान द्वारिका नाथ ने शादी के फेरे लिए और रुक्मिणी माँ को बना दिया सोने की द्वारका की महारानी। जब शादी संपन्न हो गया तो द्वारिका नगरी से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि दुर्वासा ऋषि का आश्रम आया हुआ है, और वो छोटा सा गाँव का नाम है पिंडारा। ये द्वारिका नाथ और रानी रुक्मिणी सद्धज के अपने रथ में विराजमान होकर दुर्वासा ऋषि के आश्रम पिंडारा गांव गए और हाथ जोड़कर दुर्वासा महाराज को अपनी सोने की द्वारिका में कृष्ण रुक्मिणी ने भोजन का न्योता दिया। कृष्ण भगवान और रानी रुक्मिणी का न्योता को कोई नहीं ठुकराते दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार किया कि मैं द्वारिका चलूंगा और रुक्मिणी आपके घर भोजन भी पाऊंगा, मगर मैं हूं अग्निकुल का तपस्वी ब्राह्मण, जिस वाहन के ऊपर ये घोड़े बेल लगाए जाते हैं उसके ऊपर मैं कभी सवारी नहीं करता हूं। अगर आपको अपनी सोने की द्वारिका में भोजन प्रसाद कराना है, आपके रथ के अंदर मेरे को विराजमान करवाना है, तो पहला काम ये करो, आपके रथ में से ये अश्व घोड़े को आप हटा दो और उसकी जगह आप पति पत्नी स्वयं अपने हाथों से ये रथ को खींचते खींचते अपनी सोने की द्वारिका में ले चलो, मैं आपके घर भोजन करने के लिए तैयार हूं। भगवान ब्राह्मण प्रिय दुर्वासा ऋषि की आज्ञा का भगवान द्वारिका नाथ ने पालन किया। एक साइड में रथ के अंदर द्वारिका के नाथ, दूसरी साइड में रुक्मिणी रानी पति पत्नी ने जब अपने हाथों से ये रथ को खींचना शुरू किया, रथ धीरे धीरे द्वारिका नगरी की ओर प्रयाण किया। करीबन आधा रास्ता पार हुआ होगा, रुक्मिणी देवी है, राजा भीष्मक की कन्या है, सोने की द्वारका की महारानी है, जिन्होंने कभी स्वप्नों में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कभी ऐसा दिन आएगा मुझे ये रथ खींचने का काम करना पड़ेगा। रथ खींचने के वजह से रुक्मिणी देवी को जल की पानी की प्यास लगती है। वो भगवान द्वारिका नाथ को कहती है कि हे अन्नदाता, अब मेरे से रथ खींचा नहीं जाता है, मेरे हाथ में पैर में छाले पड़ गए, मेरा कंठ व्याकुल है, मुझे जल की प्यास लगी है, परमात्मा आप हमें जल पिलाइए। भगवान द्वारिका नाथ ने रथ को बीच में रोक दिया, अपना दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया, भूमि में से माँ गंगा को उत्पन्न किया, रुक्मिणी देवी को गंगा जल पिलाकर उसकी सारी प्यास बुझा दी। ये जगह द्वारिका नगरी से करीबन 23 किलोमीटर दूर टूपनी करके एक छोटा सा गांव, भगवान कृष्ण द्वारिका नाथ ने निकाली चरण गंगा, आज भी मौजूद है। जैसे ही गंगा मैया मार आई, माँ रुक्मिणी प्यासी थी, जल पिया, ये देखकर भगवान द्वारिकाधीश ने जल पिया, दोनों की प्यास बुझ गई, दोनों के कलेजे में ठंडक भी लग गई, मगर जलबाजी में ये भगवान द्वारिका नाथ माँ रुक्मिणी से मिस्टेक गलती ये हो गई। रथ में विराजमान माँ मुनि दुर्वासा ऋषि को पूछना चाहिए, महाराज आपको जल प्रसाद पीना है कि नहीं, दुर्वासा महाराज को नहीं पूछा। दुर्वासा ऋषि है वो क्रोधी ऋषि है, उसको गुस्सा आ गया, उसने भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी को श्राप दे दिया। पहला नंबर का श्राप माँ रुक्मिणी को दिया कि देवी आपने क्या समझकर ब्राह्मण को घर भोजन के लिए बुलाया, रुक्मिणी तूने ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया, जल का पानी का आग्रह नहीं किया, आपने ऋषि कुल का गुरु कुल का अपराध किया है, देवी मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम भगवान द्वारिका नाथ को इतना प्यार करती हो, इतना चाहती हो, मेरा श्राप रहेगा आपकी द्वारिका नगरी में आपका और भगवान द्वारिकाधीश का 12 साल का जुदाई हो जाएगा। तो भगवान के वियोग में ये पवित्र भूमि जहां आप खड़े हो,
वहां 12 साल तप और भक्ति किया। इसके फलस्वरूप ठाकुर जी का मंदिर गांव में है। माँ रुक्ष्मणी बड़ी पटरानी है, फिर भी भगवान से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर रुक्मणी देवी का प्राचीन मंदिर सिर्फ 2 जगह के ऊपर आया हुआ है। एक मंदिर ये द्वारिका नगरी में, दूसरा मंदिर महाराष्ट्र के अंदर पंडरपुर में विठल रुक्मणी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भगवान का परपोता राजा वज्रनाभ ने इस प्राचीन मंदिर का निर्माण किया है। दूसरा नंबर का श्राप भगवान द्वारिका नाथ को दिया, मेरी आज्ञा के बिना आपने गंगा को उत्पन्न किया, रुक्मणी देवी को आपने गंगा जल पिलाया। हे द्वारिका के नाथ, मैं आपकी द्वारिका नगरी को श्राप देता हूँ कि आपकी द्वारिका नगरी वो कली काल में सोने की द्वारिका होगी, 4 धाम 7 पुरी में प्रमुख द्वारिका होगी। आपकी द्वारिका नगरी में आने वाले हर यात्री को यहाँ तन की मन की शांति मिलेगी, मरने के बाद उस आत्मा को यहाँ मोक्ष गति प्राप्त होगी, इसलिए द्वारिका नगरी को मोक्षपुरी धाम भी कहा जाता है। मगर मेरा श्राप रहेगा, आपकी द्वारिका नगरी में आज जीवन कभी पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलेगा, आपकी भूमि का पानी हमेशा के लिए नमकीन वाला सोल्टी खारा पानी बन जाएगा। आज भी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ये द्वारिका नगरी में कुआ करो, बोरिंग करो, हैंडपंप बिठाओ, कितना भी बारिश गिरे, ये भूमि में से जो पानी प्राप्त होता है वो समुद्र महाराज का नमकीन वाला खारा पानी मिलता है। 12 साल परिपूर्ण हुआ, भगवान द्वारिका नाथ और माता रुक्मणी ने दुर्वासा महाराज का पूजन किया, अर्चन किया। वो दुर्वासा ऋषि ने पति पत्नी को जैसे श्राप दिया था, ऐसे आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद ये दिया कि जो यात्री यात्रा के नाम से द्वारिका नगरी में आएंगे, आप भगवान द्वारिका दीश का दर्शन करके चाहे कितना भी दान धर्म करके अपने गांव चले जाओ, घर जाके बोलो मैं द्वारिका दीश की यात्रा करके आया, आपकी आधा यात्रा होती है। मां रुक्ष्मणी को दुर्वासा ऋषि ने आधा यात्रा की मालकिन बनाया। इसका दर्शन करने से यात्रा परिपूर्ण होती है और यहां आने वाले यात्री मां रुक्ष्मणी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद जब आप नीचे उतरोगे, सामने पटांगण में पानी का प्याऊ है, वहां आप पे आपको जाना है, माता रुक्मणी का प्रसाद समझकर, गंगाजल समझकर आपको यहाँ जल का प्रसाद लेना है। दूसरा मेन कार्य ये मंदिर में यहाँ जल का पानी का दान, आपके घर में परिवार में कुटुंब में 7 पीढ़ी में अगर कोई छोटा बड़ा दादा दादी माता पिता भाई बहन बेटा बेटी चाचा चाची मौत से बेमौत से गुजर गए, किसी ने द्वारिका नाथ माँ रुक्मणी की यात्रा किया, किसी ने नहीं किया, पितृ शांति के लिए ये मंदिर में जल का पानी का दान करने की बड़ी महिमा है। यहाँ जो जल आता है वो 20 किलोमीटर दूर ट्रक टैंकर के माध्यम से पानी आता है, उसका 4 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा पानी का प्याऊ के लिए जाता है, आने वाले यात्री माता का प्रसाद समझकर पानी पीते हैं। दूसरा हिस्सा गौ माता के लिए जाता है, तीसरा हिस्सा ये गेट के बाहर जहां साधु वो भिक्षावृत्ति करने बैठे उनके लिए जाता है, आखिरी हिस्सा ये जगदम्बा का सुबह अभिषेक होता है। दोपहर को 12 बजे माता को जो महाभोग नैवेद्य लगता है उसके अंदर ये जल का इस्तेमाल होता है। अगर किसी यात्री की इच्छा है, मर्जी है कि अपने परिवार के नाम से ये देवी के दरबार में पानी का दान करना है, कोई पूरा महीना भर पानी का दान करे तो 9,000 रुपये लगता है, 15 दिन पानी का दान करे 4,500 रुपये लगता है, कोई एक टैंकर पानी का दान करे उसका 1500 रुपये लगता है। ये दान करना के नहीं करना वो आप जाने, माँ रुक्मणी जाने। बोल रुक्मणी मैया की। और ये यहीं पर आपका हनुमान जी का है, हमारे चौकी बालाजी महाराज का रिव्यू है। जो मैं आपको मेन दिखा रहा हूँ ये आपका 13 मीटर के जो माता रानी का जो झंडा होता है, जो फ्लैग है 13 मीटर का बनता है और ये डेली चेंज होता है। लोगों की मान्यता है कि जिनकी मन्नत पूरी होती है तो वो यहाँ पर आके चेंज करते हैं माता रानी के नाम से।